हाय गाइस, क्या हालचाल है। न्यू जो फोन आ रहा है मार्केट में, तो उस फोन पे गाइस एक प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। वो प्रॉब्लम है, आप जब कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो आपको वॉइस से आपको बोलती है, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो न्यू जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, न्यू जो मोबाइल बाय कर रहे हैं, तो न्यू जो मोबाइल की जो वो डायल पैड है, डायल पैड में गूगल डायल पैड यूज़ किया गया है। इसलिए आप जब भी कोई ऑन करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग तो आपको वॉइस मैसेज सुनाई देगी, और ऑफ जब करेंगे तो आपको वॉइस मैसेज सुनाई देती है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस। तो इस प्रॉब्लम को आज की इस वीडियो में आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस। इस वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने के लिए जरूरत नहीं है। इस छोटी सी वीडियो पे फुल इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, और एक गाइस और इस प्रॉब्लम सॉल्व भी आपको हो जाएगा, उसके साथ भी आप ऑटोमेटिक भी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो जो एप्लीकेशन है, छोटा सा एक एप्लीकेशन है, इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मैंने आपको लास्ट में दिखाऊंगा कौन सी एप्लीकेशन है, इसका नाम क्या है। तो फर्स्ट में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है ऑलरेडी, तो मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। तो जब ओपन करेंगे इंटरफेस ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। के बाद गाइस इसका जो इंटरफेस है तो ऐसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो प्ले है, रिसेट है, पिच है, पिच रेट है। तो उसके बाद आप लैंग्वेज है आप देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक सेटिंग्स दिया हुआ है गूगल सर्विस का। तो पहला जो ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सिलेक्ट किया है, मेरे भी फोन पे सिलेक्ट किया हुआ है पिच सर्विस बाई गूगल लिखा हुआ। इस ऑप्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप मैंने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा है इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो परमिशन है, परमिशन आपको ऑन कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। तो ये होने के बाद गाइस और एक काम आपको करना है, तो बैक चला आइए। ये जो काम आपको जरूर करना चाहिए, तो आपको ये जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स आप नहीं करते तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो डायल जो पैड है, डायल पैड के ऊपर ऐसे ही आपको क्लिक करके रखना है। उसके बाद ऐप इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, सभी ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्टोरेज है, डाटा यूज है, बैटरी है। स्टोरेज के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर ऑल डाटा जो है, देख सकते हैं क्लियर और डाटा का एक ऑप्शन दिया है, तो क्लियर डाटा की ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑल डाटा जो है क्लियर आपको कर देना है, क्लियर ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसका जो डाटा है तो क्लियर आपको करना है। उसके बाद गाइस आप जब कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो आप आसानी से आपका जो प्रॉब्लम है, वॉइस मैसेज आपकी नहीं आएंगे, जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ है। तो न्यू जो फोन है, गूगल ड्राइव, गूगल की जो भाषा ने यूज किया है, गूगल की वर्ड की जो यूज किया है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप सोचेंगे तो इनका जो रिकॉर्डिंग है इसके जरूरत नहीं है, आप अलग से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो ढंग से आपका एप्लीकेशन काम भी नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी फोन में, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आपकी आसानी से इंस्टॉल तो हो जाएगा, आसानी से काम नहीं करेंगे। आप जो रिकॉर्डिंग का जो फाइल है आप आसानी से सेंड भी नहीं कर सकते हैं, स्टोर भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नीचे अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आप इंस्टॉल करके क्या करेंगे। तो फास्ट आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो फोन का जो कॉल रिकॉर्डिंग दिया हुआ है कंपनी, आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद गाइस ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, तो आप देख सकते हैं, तो अच्छे से आप देख लीजिए, वो इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप ओपन कीजिए। मैंने जैसा ही आपको बताया सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो इस छोटी वीडियो पे जो इंफॉर्मेशन दिया है आशा करता हूँ आपको जरूर काम आएगा। छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ज्यादातर मैं
मोबाइल रिव्यू की वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को आ रही है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए न्यू मोबाइल की रिव्यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा एंड बाय।